हेलो फ्रेंड्स, आज हम किचन का बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन लेके आए हैं। तो यहाँ पे देखिए, फोर कोड लिए हैं मैंने यहाँ पे 1 1 मीटर के, और एक हमें की रिंग चाहिए, लाइटर, सीजर, चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। तो यहाँ पे देखिए, इस तरीके से कॉर्ड्स को हम फोल्ड करेंगे और यहाँ पे इस तरीके से अटैच कर लेना है। ये देखिए, इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। और जो ये अलग कलर का हमने जो कॉर्ड लिया है, वो हमें यहाँ पे एक इधर अटैच करना है और एक दूसरी साइड पे हमें अटैच करना है। देखिए इस तरीके से। अब हमें देखिए क्या करना है, यहाँ से देखिए इस तरीके से हमें कॉर्ड्स को ले लेना है, और एक बार ऊपर की साइड से और एक बार नीचे की साइड से इस तरीके से हमें यहाँ पे कॉर्ड्स को पाइपिंग कर लेना है। यहाँ पे देखिए 1 2, और ये यहाँ पे 3। तो यहाँ पे 1 टाइम हमें 3 टाइम ही करना है। और ये देखिए, बाहर वाला कॉर्ड लेना है हमें। ये देखिए 1 2 3, 3 टाइम हमने इसको इस तरीके से पाइपिंग किया है। और अब हमें क्या करना है, इस तरीके से इधर का कोड इधर रख लेंगे और इधर का कोड इधर रख लेंगे, और बाहर वाला जो हमारा कोड है उससे हमें यहाँ पे इस तरीके से इनको जॉइंट करना है, पाइपिंग करनी है, ये वाला कोड। और ये वाले कॉर्ड हमें इस तरीके से खींच लेने हैं। ओके, और फिर से हमें यहाँ पे देखिए, ये वाला जो कॉर्ड है अंदर की साइड वाला, हमें 1 टाइम यहाँ पे इस तरीके से निकालना है। ये देखिए यहाँ से, ये देखिए इस तरीके से, और हम यहाँ पे इसको फिर से हम इस कोड को यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे, इधर का कोड इधर और इधर का कोड इधर, तो इस तरीके से रखेंगे, और फिर से इस तरीके से हमें यहाँ पे कोड्स को यहाँ पे इस तरीके से पाइपिंग कर लेनी है। और इस तरीके से यहाँ पे लूप बना लेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये वाला कोड कोई सा भी ले सकते हैं, इस तरीके से जो लंबा हो वो वाला ले ले। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने 3 टाइम पाइपिंग की थी, यहाँ पे हमें 6 टाइम हमें यहाँ पे इस तरीके से करना है, एक बार ऊपर से और एक बार नीचे से। देखिए 1 2 3 4 5, 5, और ये यहाँ पे हमने 6, ये देखिए 6 राउंड हमने यहाँ पे लगा लिए इसके, इस तरीके की पाइपिंग के। और अब हमें यहाँ पे भी इसी तरीके से करना है, जो हमारा बड़ा वाला कोड है, चाहे तो ये वाला भी ले सकते हैं, पर जो बड़ा वाला है उसको ले लेंगे। बाहर की साइड पाइपिंग करने में थोड़ा ज्यादा लगता है, इसलिए बीच वाला जो होता है वो छोटा रह जाता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बाहर वाला अंदर ले सकते हैं और अंदर वाला बाहर। ये देखिए यहाँ पे भी हम इस तरीके से 6 टाइम हम यहाँ पे इसको पाइपिंग कर लेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम हमने पाइपिंग कर लिया। अब हम इनको इस तरीके से क्रॉस करेंगे और यहाँ पे बाहर वाले कोड की साइड से इस तरीके से पाइपिंग कर लेंगे।
देखिए इस तरीके से, और फिर से हमें इसी तरीके का यहाँ पे जो हमने ऊपर बनाया था वही हमें लूप बनाना है। तो यहाँ पे देखिए वन टाइम हमें इस तरीके की पाइपिंग करनी है, एक बार ऊपर से और एक बार नीचे से। तो ये देखिए इस तरीके से हो गई। फिर से हमें कॉर्ड्स को क्रॉस करना है और इस कॉर्ड को हमें यहाँ से इस तरीके से निकाल लेना है। और कॉर्ड्स को हम अच्छे से खींच लेंगे। ये देखिए इस तरीके की हमारी ये सॉरी ये यहाँ तक नहीं बनेगी। देखिए इसको हम अभी साइड में हटा देते हैं और ये वाले जो कोड हैं मैं सेम इसी तरीके से यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे 6 बनाए हैं। इधर भी हम इस तरीके से बना लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स 1 2 3 4 5 6 6 टाइम हमने इधर भी पाइपिंग कर लिया और 6 टाइम इधर भी। अब हमें क्या करना है, इस तरीके से क्रॉस कर लेना है कॉर्ड्स को और यहाँ पे इस तरीके से पाइपिंग करके कॉर्ड्स को इधर से उधर जॉइंट कर लेना है। और ये जो हमने ऑरेंज कलर का बनाया था उसके ऊपर करके हमें ये इस तरीके से जॉइंट करना है। देखिए फिर से ये वाले जो कोड है हमारे इसको इस तरीके से रखेंगे और फिर से एक बार यहाँ पे हम इस तरीके से पाइपिंग कर लेंगे और ये वाले कोड इस तरीके से खींच लेंगे। ये देखिए अब जो ये वाले हैं यहाँ पे हमें 3 टाइम पाइपिंग करनी है। 1 2 और ये 3। सेम इधर भी हम ऐसे ही करेंगे, जो बड़ा वाला कोड है हमारा उससे पाइपिंग करेंगे। देखिए 1 2 और ये 3। अभी इनको हम एक बार यहाँ से नीचे की साइड में निकाल लेंगे। ये वाला जो हमारा है ये वाला हम खोल लेंगे। ये देखिए इतना खोल लेना है और अब हम यहाँ से देखिए येलो वाला कोड है जो ये देखिए फ्रेंड्स लास्ट में हमें क्या करना है, ये जो हमारे दो कोड हैं इधर और इधर
इनको भी हम इस तरीके से क्रॉस कर लेंगे एक बार, और जो ये हमारे सारे कोड हैं वन वन टाइम हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए सारे कोड्स को हमने इस तरीके से निकाल लिया है। ये देखिए जो हम अब हमारे येलो कोड हैं उनको कट करेंगे। ये देखिए थोड़ा सा लंबा कट करेंगे और इस तरीके से यहाँ पे इसको मेल्ट करेंगे हल्का सा, और पीछे की साइड पे इसको इस तरीके से चिपका देंगे। ये देखिए और यहाँ पे हम बेल लगाएंगे। ये देखिए यहाँ पे कोड्स के आप अपने हिसाब से लंबाई रख सकते हैं, थोड़ी सी ज्यादा भी रख सकते हैं और थोड़ी सी कम भी। ये देखिए हम यहाँ पे बेल डाल देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स की चेन का हमारा बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन बन के रेडी हो चुका है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही जो बेल आइकन आता है उसको भी जरूर प्रेस करें मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।